सो फ्रेंड्स, मैं हूँ साजिदा और मेरे चैनल का नाम है कुक विद साजिदा। हाजिर हूँ फिर से एक नई रेसिपी वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू की बहुत ही स्पेशल सब्जी। इसके सामने आपको शाही पनीर, मलाई पनीर भी फीकी लगने लगेगी। जितनी खाने में ये स्वादिष्ट है, दिखने में उतनी ही सुंदर है। रोज़ाना बनने वाली सब्जी को आप इस तरह से बना सकते हो। बहुत ही यम्मी डिलीशियस सब्जी है। तो चलिए आज की स्पेशल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ये स्पेशल वीडियो। तो यहाँ पे मैंने दो आलू ले लिए हैं। दो बड़े साइज़ का आलू था और उसको मैंने कट कर लिया है, अच्छे से वॉश कर लिया है। तो अब मैं पैन में डाल के इसमें सूखे मसाले डायरेक्टली डालूंगी, जैसे कि हल्दी पाउडर लिया है, साथ ही धनिया पाउडर और लाल मिर्चों का पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे मैं। और साथ ही टेस्ट के हिसाब से आप नमक भी ले लीजिए। इन सब के अलावा एक दालचीनी का टुकड़ा और एक तेज़पत्ते का टुकड़ा लेंगे। तेज़पत्ते को मैंने तोड़ के डाला हुआ है। थोड़ा सी पानी हमें ऐड करना है और इसको मिक्स करके हमें इसे पकने देना है। जब तक का हमारा आलू जो है ना अच्छे से गल जाए, तब तक का हमें इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है ढक के। तो चलिए इसको ढक देते हैं और इसको पका लेते हैं। यहाँ पे पूरे 5 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं और देखिए हमारे आलू भी बहुत ही बढ़िया से गल गए हैं, पानी भी सूख गया है, यानी हमारे आलू बढ़िया से गले हुए हैं। तो यहाँ पे पैन में लेना है 1 टेबलस्पून ऑयल और 1 बड़ा चम्मच हमें काजू को भून लेना है थोड़ा सी। और मैं इसको निकाल लेती हूँ। अब इसमें ऐड करेंगे इसी बचे हुए तेल में 1 बड़ा चम्मच बटर। वही हमें शाही वाला टेस्ट देना है ना, इसके लिए बटर तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो 1 बड़ा चम्मच बटर ले लीजिए मस्का। तो आप थोड़ा से इसको मेल्ट होने देते हैं, साथ ही इसमें थोड़ा जीरा ऐड करेंगे और 3 हरी मिर्ची ऐड करेंगे जिसको मैंने बीच से कट कर लिया है। तो देखिए इस तरह से, तीखा भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन तीखा हमने रेड चिल्ली पाउडर का भी तो इस्तेमाल किया है ना। और 1 छोटी सी प्याज को पतला पतला कट कर लिया है, उसको भी अच्छे से कलर चेंज आए तक का हमें भूनना है, अच्छे से ट्रांसपेरेंट करना है। तो चलिए देखिए कलर बहुत ही बढ़िया सी आ गया है। तो अब हमें इसमें ऐड करना है जो हमने सब्जी को रखा हुआ था, वो ऐड कर लेंगे। तो चलिए इसमें डाल देती हूँ सब्जी को। देखिए कितना अच्छा कलर आया है हमारी सब्जी का। तो अभी थोड़ा सी पानी डालूँगी और पानी डाल के इसमें डाल दूँगी सब्जी में, ताकि सारे जो मसाले हैं ना आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए और टेस्ट जो है बिल्कुल मिक्स हो जाएगा आपस में, क्योंकि हमने जो मसाले वगैरह ऐड किए थे वो भी। तो यहाँ पर अब ऐड कर लेंगे 2 बड़े चम्मच मलाई, यानी कि क्रीम। आपके घर में अगर क्रीम नहीं है तो घर की मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए कितना बढ़िया सी कलर आ गया है, बहुत ही बढ़िया मिक्स हो गया है, रिचनेस आ गई है हमारी सब्जी में। इसका टेस्ट बिल्कुल मलाई पनीर, शाही पनीर के जैसा ही है। और अब हमने जो फ्राई करके काजू को रखे थे वो भी डाल देंगे, और फ्रेशनेस के लिए धनिया पत्ता ज़रूर डालें, बहुत ही बढ़िया सी स्वाद आता है धनिया पत्ते से। तो आप क्या इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर आप चाहो तो इसमें थोड़ा सी कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हो। तो अब ये सब्जी बिल्कुल रेडी है। देखिए इतना पानी भी हमने डाला था वो भी बिल्कुल सही है पूरी पराठे के साथ खाने के लिए। तो आप गर्मा गर्म सर्व कीजिए, देरी किस बात की। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है, खाने में बहुत ही यम्मी है, बहुत ही ज़्यादा।